कंटिन्यू करते हैं। दस अ वुमेन्स मेडलहुड स्टेट ऑफ बींग अ ब्राइड एंड अ बाई प्रेगनेंट मदरहुड प्रेगनेंटली एंड लिरिकली पोर्ट्रेड इन दिस पोएम। तो कह रहे हैं हर वुमेन की तो स्टेज होती है ये वाली, उसको बहुत अच्छे से और लिरिकली ना पोएम के थ्रू इस पोएम के अंदर समझाया गया है। ठीक है, लाइनों के थ्रू इस पोएम में समझाया गया है। द रिजल्टेंट फीलिंग इज वन ऑफ फुलफिलमेंट एंड कंटेंटमेंट। जो उसको पढ़ के जो बेसिक जो फीलिंग आती है वो आती है फुलफिलमेंट की और सेटिस्फेक्शन की। दस द रेनबो टिंटेड बैंक ब्यूटी एंड सेलिब्रेट द ब्यूटी एंड मीनिंग ऑफ वुमेन फॉर। कुछ नहीं था, यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से बनेंगे फिगर ऑफ स्पीच वाले स्टाइल। फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या कह रहे हैं? सरोजिनी नायडू द बंगाल सेल इज अ लिरिकल पोएम रिटन इन द स्टाइल ऑफ फोक सॉन्ग एंड दैट ग्लोरीफाइज द आइडियल वुमेन आइडियल इंडियन वुमेन। अ फोक सॉन्ग इज अ सॉन्ग, फोक सॉन्ग की डेफिनेशन बता रहे हैं आपको, इज अ सॉन्ग दैट ओरिजिनेट्स इन ट्रेडिशनल पॉपुलर कल्चर दैट इज रिटन इन सच अ स्टाइल। बेसिकली फोक सॉन्ग क्या है बताए, फोक सॉन्ग एक ऐसा सॉन्ग है जो कि हमारे ट्रेडिशनल कल्चर में पॉपुलर हो, ठीक है, या फिर वैसे स्टाइल में लिखा गया हो। इट इज अ पार्ट ऑफ नायडूज फोक पोएट्री, ये उनकी फोक पोएट्री का पार्ट है, विच इज अ सिंपल एंड कंटेन्स ऑफ वोकैबुलरी एंड इमेजरी फ्रॉम एवरीडे लाइफ एंड साइड्स ए बिच शोड हर सेंस ऑफ इंटीग्रिटी विद फोक लाइफ एज इट इज लिव्ड। वो कह रहे हैं ये जो पोएम थी ये बेसिकली पार्ट है उनकी फोक पोएट्री का, जो कि सिंपल है और कंटेन करती है बहुत सारी वोकैबुलरी एंड इमेजरी फ्रॉम एवरीडे लाइफ, और जो एवरीडे लाइफ में जो हम इमेजिन करते हैं, एवरीडे लाइफ में जो हम देखते हैं सारी चीज़ों की इमेजेस बेसिकली इसके अंदर कंटेन की आती हैं एंड साइट्स विच शोड हर सेंस ऑफ इंटीग्रिटी। और बहुत सारे दृश्य इसके अंदर ऐसे एक्सप्लेन किए गए हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो फोक लाइफ से कितना जुड़ी हुई है ना, जैसा कि उन्होंने जिया है, जैसे कि उन्होंने अपनी लाइफ में जैसे वो उसके साथ इंटीग्रली कनेक्टेड रही हैं। दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ 4 स्टेंजा, 4 स्टेंजा हम इसमें पोएम में है टोटल, और हर स्टेंजा में 6 6 लाइन्स हैं। राइम स्कीम द राइम स्कीम इज यूज बाय द पोएट टू डिपिक्ट द वाइब्रेंट एंड कलरफुल बंगाल्स। इन ईच स्टेंजा फर्स्ट लाइन राइम्स विद द सेकंड थर्ड विद द फोर्थ एंड फिफ्थ विद द सिक्स्थ एंड द, ठीक है, यानी जो स्कीम है बेसिकली वो आपको याद रखनी है, AABBCC है ना, रिस्ट मिस्ट ये दोनों एक दूसरे मैच करती हैं, ड्रीम स्ट्रीम ये इसके साथ मैच करती हैं, क्लीव्स लीव्स ये इसके साथ, तो AABBCC, ठीक है, इनके राइमिंग स्कीम हो गई। सिमली भूल गए क्या होती क्या नहीं होती है सर, कुछ याद है, कंपैरिजन वगैरह कुछ होता है, देखो क्या होता है। अ सिम इज अ फिगर ऑफ स्पीच एंड विच अ लाइकनेस बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स इज स्टेटेड। सिमली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसके ना लाइकनेस दिखाई जाती है, यानी सिमिलैरिटी दिखाई जाती है, दूसरे से कंपेयर करके उसकी सिमिलैरिटी दिखाई जाती है। तो यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ों की मतलब एक पूरी ह्यूमन वुमेन की लाइफ को बैंगल्स के कलर के कंपेयर ही किया गया है। तो लिखा हुआ इट इज अ पोइम दैट रन्स ऑन अ सीरीज ऑफ कंपेरिजन। हो ये एक ऐसे पोइम जिसके अंदर बहुत सारे कंपेरिजन है, थोड़े बहुत नहीं बहुत सारे कंपेरिजन है। सो किस किस चीज़ के विषय, डिफ बिटवीन डिफरेंट कलर्ड बैंगल्स और डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, अलग अलग कलर के अलग अलग एस्पेक्ट पे, अलग अलग कलर की चूड़ियों का अलग अलग ह्यूमन लाइफ के एस्पेक्ट के साथ, है ना। ट्विंकलिंग ह्यूमिनियस टेंडर एंड क्लियर लाइक अ ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर, एक्साइटेड ल्यूक्रेटिव है ना, थोड़ी सी नमी वाली और क्लियर है ना, उसको कंपेयर किया गया उनके ब्राइडल लाफ्टर से और ब्राइडल टीयर से। इन दी अबव लाइन द टिंगलिंग ऑफ बैंगल्स कंपेयर टू यंग ब्राइड्स लाफ्टर, इस हंसी को इसके साथ कनेक्ट किया गया है। एंड द ल्यूमिनोसिटी ऑफ द बैंगल्स इज लाइक इज लिंक लाइकन विद दी लाइकन टू दी लाइकन टू हर टीयर, और चमक को उसके टीयर से कंपेयर किया गया है। दूसरा भी दिया हुआ है, सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलाइट कॉन, यहाँ पे बेसिकली जो येलो कॉर्न फील्ड का जो कंपेरिजन किया गया है वो किससे किया गया है,
येलो कलर की बेंगल्स हैं। तो बहुत सारे हैं जहाँ पे सिंबल का यूज किया गया है, मेटाफर यूज हुआ है, दो ही हुए हैं बस, एलिट्रेशन भी हुआ है, यानी तीन तरीके के आपसे पूछ सकते हैं। मेटाफर भी यहाँ पर हुआ है, मेटाफर भी देखो जरा, मेटाफर भी किस किस में। तो मेटाफर ही पता है, मेटाफर के सिमली की तरह होता है, लेकिन सिमली में कहते एज या फिर लाइक वाले वर्ड लगे होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक। मेटाफर में क्या होता है, लाइक नहीं लिखा होता वहाँ पर, लाइक एज और सो वाले वर्ड नहीं होते, लेकिन फिर भी कंपेरिजन किया जाता है। तो आप फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग इज इम्प्लाइड। यहाँ पे इम्प्लाइड होता है, यहाँ पे लाइक लिखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे इम्प्लाइड होता है, बट नॉट क्लियरली स्टेटेड, यानी लाइक एज सो लिखे नहीं होते क्लियरली। फॉर एग्जाम्पल, द बेंगल्स आर कंसिडर्ड एज रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट एंड लस्टर्स टोकन ऑफ ब्राइट लाइफ। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बेंगल्स को रेनबो से कंपेयर किया गया है, पर कहीं पर लाइट लिखा हुआ है, लस्टर्स टोकन ऑफ ब्राइट एंड लाइफ, कहीं पर भी लाइफ और एज लिखा हुआ है क्या पोइम के अंदर, स्टैंजा के अंदर, देखा जरा। अच्छा कह रहा हूँ, आपने लिखा है यहाँ पे, तो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, फिर भी लेकिन ऐसे केस में यहाँ पे मेटाफर होगा। इमीजिएटली बाद में आते हैं, या फ्रेज होता है, एलिट्रेशन पे आते हैं। एलिट्रेशन पता है, रिपीटेशन बार बार एक ही साउंड का कॉन्सोनेंट का, वो भी इट इज़ अ क्लोज रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड यूजुअली एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जनरली, हमेशा नहीं, यूजुअली एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, जनरली वर्ड के स्टार्टिंग होते हैं। तो इन थर्ड स्टैंड आप चेक करोगे, एस एस बी बी एफ एम एफ एच एच टी टी बी बी, रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर सारे पैराग्राफ के ना कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, एलिटरेशन, ठीक है। और होते हैं इमेजी, सी इमेजी क्या होता है बेसिकली, इट रेफर्स टू वर्ड्स एंड फ्रेजेस। इमेज जो वर्ड है इसको यूज़ किया जाता है वर्ड ऑफ फ्रेज को ही रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, किस लिए, टू हेल्प द रीडर्स टू फॉर्म इमेजेस, ताकि पढ़ने वाला इमेजिन करने लगे, वो इमेजेस बनाने लगे माइंड के अंदर, यानी इमेजिन करने लगे, दैट फोकस ऑन देयर सेंसेस सच एज स्मेल, ताकि अपने सेंसेस को थोड़ा अवेयर कर लो, सच एज स्मेल, टच, साइट, हियरिंग एंड टेस्ट। है ना, द मोस्ट परमानेंट इमेजरी इन दिस पोएम इज विदाउट डाउट, विदाउट डाउट द विजुअल इमेजरी प्रेजेंटेड बाय द यूज ऑफ कलर सिंबल्स। वो कहते हैं सबसे ज्यादा बेसिकली इस पोएम के अंदर इमेजिन कराने वाले जो बर्ड्स हैं बेसिकली वो सारे कौन से नहीं हैं, कलर सिंबल्स, ठीक है, उन्होंने बिना बोले इमेजिन करवाया है। कलर्स रिप्रेजेंट वेरियस मूड्स, इन कलर उन्होंने क्या 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 अलग तरीके के मूड्स, अलग अलग लाइफ के हिस्से जिसको रिप्रेजेंट किया हुआ है और लिखा हुआ है, कलर्स रिप्रेजेंट वेरियस मूड्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इट इज अ पावरफुल मीन्स टू एक्सप्रेस ह्यूमन फीलिंग। द इमेज ऑफ रेनबो टिंटेड बेंगल इज यूज्ड टू रेफर द मल्टी कलर्ड बेंगल्स पॉइंटिंग टुवर्ड द होप्स ड्रीम्स यूथफुलनेस। मल्टी कलर्ड हैं, मल्टीपल थिंग्स हैं, ठीक है। द विजुअल इमेज ऑफ माउंटेन मिस्ट इज ऑल्सो वेरी प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब सीरियस। द विजुअल इमेजिनेशन जो वहाँ पर दिखाई है, बेस्ट उस फोन के अंदर आपको पिक्चर दिखा दी थी, और पढ़ने के लिए बताया कि विजुअली अगर आप इमेजिन करोगे उसको, इज वेरी सीरियस इज द मिस्ट ऑन द माउंटेन्स कैन बी एप्रिसिएटेड विद द चेंजिंग कलर विद समटाइम्स सिल्वर एंड समटाइम्स ब्लू। द पर्पल कलर्ड बैंगल्स विद गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे आर ऑल्सो वेरी विजुअल एंड सिम्बोलिक। वो कह रहे सारे कलरों को बेसिकली विजुअलाइज करा के बुक के अंदर लिखा गया है, स्क्रीन के अंदर फिर बता रहे हैं जो पर्पल जो कलर है बेसिकली उसको कैसे इंडिकेट किया गया, बोल्डनेस से, ब्रेवनेस से, पावर से। पर्पल कलर, पर्पल इज अ कलर विच इंडिकेट्स पावर, अथॉरिटी, प्राइड, डिग्निटी। और जो गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे है एक सोबर, एक ठीक ठाक सीधा साधा है ना, और मैच्योरिटी विच इंडिकेट्स एक्सपीरियंस, विगडम वो विजडम, मैच्योरिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। दस इंडियन, दस द वुमेन वेयरिंग पर्पल बैंगल्स हैज गेंड मैच्योरिटी। इसलिए हम कह सकते हैं जो वुमेन जो पर्पल करके बैंगल्स बियर करी हुई हैं उन्होंने मैच्योरिटी गेन कर ली है, मैच्योर हो चुकी हैं। रियर ऑल चिल्ड्रन विद लव, बच्चों को पाल चुकी हैं, एंड एंड एट लास्ट अचीव द फुलनेस ऑफ अ रोल एज अ वाइफ एंड मदर।
ऑडिटरी इमेजरी इज ऑल्सो फाउंड इन दिस पोएम। ऑडिटरी इमेजरी मतलब क्या, एक सिंपल इमेजरी हो गई, ठीक है। ऑडिटरी मतलब क्या, जो केवल ऑडिटरी इमेजरी कैसे बताऊं आपको, मतलब इसमें थोड़ी डिटेल हो, जिसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी, थोड़ी डिटेल हो। जैसे ये फ्रेज दिया हुआ है, टिंकलिंग को ब्राइडल आफ्टर से कंपेयर किया जा रहा है, तो काफ़ी डिटेल है या नहीं है इसके अंदर। एक्साइटमेंट आप अगर ऐसे कंपेयर करोगे तो मिलेगा नहीं, आप बहुत डिटेल में जाओगे, बहुत डिटेल में जाकर चेक करोगे तो समझ जाओगे। हाँ, टिंकलिंग मतलब एक्साइटमेंट, और जो हंसती हुई जो ब्राइड होती है उसके अंदर तो एक्साइटमेंट होती है नई लाइफ के रिगार्डिंग, तो आपको कंपेरिजन मालूम पड़ रहा है। तो ये भी इमेजिनेशन, आप कैसे इमेजिन कर पा रहे हो इसको, इससे कंपेयर किया गया, आपको डिटेल में सोचना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ऑडिटरी इमेजरी, क्रिटिकल रिमार्क्स। फोक लाइफ ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू लव द कॉमन फोक ऑफ इंडिया एंड देयर लैंड, सी सेलिब्रेट देयर ऑक्यूपेशन, देयर जॉयज एंड सॉरोज इन अ नंबर ऑफ लिरिक्स, द पेगेंट्री ऑफ द इंडियन लाइफ फैसिनेटेड हर एंड सी सिंग्स ऑफ इट विद जस्ट। हाँ, लिरिक्स आर इनफैक्ट अ पोर्ट्रेट गैलरी ऑफ इंडियन फोक कैरेक्टर। कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें, लिखा हुआ है कि सरोजिनी नायडू जो बेसिकली थी, उनको कॉमन लोगों के लोकगीत तो बहुत अच्छे लगते थे, इंडिया के उनको पसंद थे, है ना, और उनके लैंड भी, मतलब उनको इंडिया भी पसंद था। बेसिक वो लंडन में पढ़ के आए थे, पर ऐसा नहीं कि उनको इंडिया से कोई पसंद था, इंडिया उनको पसंद था। सी सेलिब्रेट देयर ऑक्यूपेशन, मतलब यहाँ के जो ऑक्यूपेक्ट करते थे यहाँ पर, सेलिब्रेट करते थे यहाँ पर, सेलिब्रेट रेस्पेक्ट करने से देयर जॉय, हर ऑक्यूपेशन के लोगों के जो खुशियाँ होती थी उनको सेलिब्रेट कर दिए, और उनको भी मान देते हैं इन्होंने यहाँ पे, उनको यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया लिरिक्स के थ्रू अपने, है ना। द पैगेंट ऑफ इंडियन लाइफ फैसिनेटेड हर, इंडियन लाइफ का जो कल्चर है बेसिकली सिस्टम है, उन्होंने उनको बहुत फैसिनेट किया हुआ है, बहुत उनको फैसिनेट किया हुआ है। एंड सी सिंग्स ऑफ इट, अब उसे फैसिनेशन कहता है, वो इस फैसिनेशन के साथ गाती हैं विद जेस्ट, बहुत सारे उत्साह के साथ। हाँ, लिरिक्स आर पोर्ट्रेट गैलरी, उनकी जो लिरिक्स हैं बेसिकली गैलरी की तरह है, उनके जो लिरिक्स हैं वो वास्तव में, इनफैक्ट मतलब वास्तव में उनके जो लिरिक्स हैं वो वास्तव में गैलरी की तरह हैं, जो पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो शो कर रहे हैं इंडियन फोक कैरेक्टर्स को। The poem expression of different stages in a woman's life in traditional Indian society, समझ गए होंगे आपके लिखा हुआ है। The entire concept of making connection between different colored bangles and their role in imparting happiness to young maidens, brides, wives and mothers is rooted in Indian culture, ये भी समझ होंगे आप। ये जो पूरा concept वो हमारे इंडियन कल्चर में ही है, बस वो हमने different colors को different steps के साथ compare करके दिखा दिया गया है यहाँ पे। द बैंगल्स दे वियर हैव सिम्बोलिक एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस, जो बैंगल्स पहनते हैं उनका, उनके अगर सिंबल के रूप में देखा है तो भी उनकी इंपॉर्टेंस है, रिलीजियस तौर पर देखा है तो भी उनमें उनकी इंपॉर्टेंस है। एंड द डिफरेंट कलर्स रिप्रेजेंट द वेरियस सिचुएशन देयर लाइफ, ठीक है। द पोएम नॉट ओनली पोर्ट्रेज द लाइफ ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन, ये पोएम ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द लाइफ ऑफ बैंगल सेलर, बैंगल सेलर के रिगार्डिंग भी, है ना। द बैंगल सेलर यूज्स अ जॉयफुल वॉइस, बैंगल सेलर बहुत उत्साह के साथ, बहुत जॉयफुल वॉइस के साथ बेचता है उन चीज़ों को, एंड प्रेजेंट इज बैंगल से टोकन ऑफ हैप्पीनेस, उनकी अपनी बैंगल सेलर बींग सिंबल ऑफ हैप्पीनेस बेचता है। एक लाइन बीच में आई हुई थी कि जो कलरफुल चूड़ियाँ पहनती हैं उससे पता चल जाएगा उनकी लाइफ में कितनी जॉय है, ठीक है। तो वही वाली लाइन को यहाँ पर लिखा गया है इसके। द हैवीनेस ऑफ द बैंगल्स दैट इज शाइनिंग लोट्स इज द ओनली रेफरेंस मेड टू द हार्ट्स ऑफ द बैंगल सेलर। हाँ, ज़्यादातर जिसके अंदर बताया गया बैंगल सेलर का, उसमें स्टार्टिंग की लाइनें बताई गई कि वो चमक चूड़ियों का भोज लेकर मंदिर के मेले में आया है, ठीक है, बेचने के लिए। तो इतना ही उसके बारे में ओनली बताया गया। दस प्रेजेंटिंग फोक लाइफ ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ नायडू पोएट्री। इस पोएट्री का जो मतलब जो ध्यान खींचने वाला फीचर है, क्वालिटी है, वो यही है कि इन्होंने फोक लाइफ, इंडिया के फोक लाइफ को बेसिकली इसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया। इनफैक्ट पोएट्री गेंड वाइटलिटी टू द फोक इंस्पिरेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंस भी उसको मिली है, वाइटलिटी मतलब क्या इंपॉर्टेंस है ना, मिली है उनके फोक इंस्पिरेशन की, ऐसे उनको काफ़ी इंपॉर्टेंस भी मिली है। इसको क्वेश्चन से देख लेते हैं। बेंगल सेलर्स आर वी हु वियर आर शाइनिंग लोट्स द टेम्पल्स,
Who will buy this delicate, bright and rainbow tinted circles of light? Luster tokens of radiant life for happy daughter and happy wife. What is being referred to as signing note? Signing note का meaning बता दे ना कि signing bangles से basically compare किया गया. Who all are its prospective buyer? इनके buyer कौन होंगे? तो इनके buyers कौन-कौन से होंगे? केवल ये लोग. इस पैराग्राफ में मुझे लिखना है, आपको एक्सप्लेन नहीं करनी है, मैड एंड है ना, मदर है ना, ओल्ड लेडी, ऐसा कुछ नहीं. जो इस पैराग्राफ में पैराग्राफ से रिलेटेड आंसर देना है, ठीक है. बेंगल सेलर्स कुड सेल देयर गुड्स एनीवेयर, ठीक है. वो कह रहा है बेंगल सेलर अपने गुड, अपनी जो चूड़ियाँ हैं वो कहीं पर भी बेच सकते हैं. व्हाई डू दे चूज टू सेल देम एट टेंपल फेयर, उन्होंने मेले में ही क्यों बेचना प्रेफर किया? थोड़ा सोचो. तो आपको ध्यान हो, ये जो हमारे रिलीजियस और स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस काफ़ी प्रदर्श करते हैं, ठीक है, और फेयर में बहुत सारे लोग आते भी हैं, तो यही रीज़न है कि उसने ये जगह चूज़ की, ताकि तो वहाँ पर ज़्यादा लोग आएंगे. फिर ये स्पिरिचुअल से और रिलीजियस मैटर से भी जुड़ा हुआ है, तो स्पिरिचुअल है और रिलीजियस मैटर है, तो मंदिर के बाहर तो और मेले में तो लोग आएंगे आएंगे, मंदिर के बाहर तो आएंगे आएंगे बेसिकली ऐसे लोग जो स्पिरिचुअल हो और जो रिलीजियस हो. इसीलिए Which figure of speech is used in the line rainbow tinted circles of light? Metaphor, ठीक है. Explain what is the link to the happiness of daughters and wives. Daughters की happiness से क्या link है, wives की happiness से क्या link है, ये आप समझाते हैं ना. बहुत सारी खुशियाँ happiness जो है ना rainbow के साथ बहुत सारे कलर होते हैं, तो बहुत सारी feelings इस happiness के ना link है, ठीक है. What role do the Bengal sellers play in a traditional Indian setup according to this abstract? क्या रोल वो प्ले करता है इसके अंदर? बेसिकली वो बहुत सारी फीलिंग्स को दे रहा होता है बेसिकली वो, ठीक है. और मैं इसका बेटर आंसर आपको सेंड कर दूंगा, टेंशन मत लो. एक्सप्लेन हाउ द पोएट यूजेस हर डिस्क्रिप्टिव स्किल्स टू प्रेजेंट फैक्ट्स टू गिव टू एग्जांपल सम द एक्सेप्ट. ओहो, वो कह रहा है पोएम कैसे अपने डिस्क्राइब करने के, अपने डिस्क्राइब करने के स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है इस पोएम के अंदर. तो कोई भी एग्जांपल दो यहाँ से, कोई भी दो लाइन का एग्जांपल देके मुझे बताओ. तो वो रेनबो टिंटेड सर्कल्स को, एक तो ये वो बैंगल्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेनबो टिंटेड सर्कल्स बहुत सारी कलरफुल बैंगल्स कहने की जगह वो रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट कहते हैं. सर्कल क्यों, सर्कल शेप में होती हैं बहुत सारी हैं, तो रेनबो टिंटेड मतलब के बीच में डिजाइनें होती हैं स्पॉट जैसी, तो टिंटेड लाइट मतलब साइनिंग कर रही होती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है. लस्टर्स टोकन्स ऑफ लाइट एंड लाइफ, ये भी सिंबल है, तो दोनों लाइन आप लिख सकते हो मीनिंग कर लिखते हुए. एग्जांपल तो लिखना ही लिखना है, लेकिन उसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है. सम आर मेड फॉर मेडन सिलिस्ट सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट. सम आर सजेस्ट लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम. सम आर एग्लो विद द ब्लूम डेड क्लीव्स टू द इम्प्लीट ग्लोरी ऑफ न्यूबॉर्न लीव्स, ठीक है. व्हाट टाइप ऑफ बैंगल्स आर बेनिफिटिंग एंड मैडम सिस्ट, किस तरह की बैंगल्स को बेनिफिट मिल रहा है उनकी लीव्स उनके से. तो सिल्वर और ब्लू कलर का, सिल्वर ब्लू कलर के, ठीक है. फिर बोल रहा है व्हाई आर सिल्वर एंड ब्लू कलर कंपेयर टू द माउंटेन मिस्ट, क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि उनका जो मिस्ट होता है वो होता है रियल में वैसा ही है, इसलिए कंपेयर किया गया है. इन व्हाट वे आर द बर्ड्स सेट टू डिन, आई थिंक ब्रेड वाला है, चलो इसका मैं सेंड करा दूंगा, ठीक है. गिव द मीनिंग ऑफ, ओहो मीनिंग लिखना है पोएम में से, समझाएगा लिख देना. व्हाट इज मेंट बाय द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यूबॉर्न लीव्स, व्हाट आर द न्यू बॉर्न लीव्स सिंबॉलिक ऑफ, ये भी पोएम में बताया गया, आप लिख सकते हो इजिली. स्टेट ऑफ कलर्स ऑफ बैंगल्स मेंट फॉर अ मैडर, दो ही कलर बताए गए हैं आई थिंक. व्हाट डू दिस कलर सिंबलाइज, जो ऊपर से देख के बता दोगे, ठीक है. सम रीड द एक्सरसाइज थर्ड, आगे थर्ड आर लाइक सम आर लाइक फील्स ऑफ सनलाइट कॉन मेड फॉर अ बेड ऑन ब्राइडल मून. सम लाइक द फ्लेम ऑफ अ मैरिज फायर और इस विद द ब्लू ऑफ अ हार्ट्स डिजायर ट्विंकलिंग ल्यूमिनियस टेंडर एंड क्लियर लाइक अ ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर. What is being compared to fields of sunlight cone? किसको compare किया गया है? आप बता सकते हो.
येलो कलर की चूड़ियों को, ठीक है, बाय कांस में भेज दूंगा। वाई डू अंडरस्टैंड द फ्रेजेस ब्रैडल आफ्टर एंड ब्रैडल टियर, सब वाई डू अंडरस्टैंड, तो ब्रैडल आफ्टर से क्या है और ब्रैडल टियर से क्या है, आपको पोइम बहुत कुछ समझाया गया है। एंड विद वॉट हैव दे बीन कंपेयर्ड इन द एक्टर, किसके साथ कंपेयर किया गया है, ब्रैडल आफ्टर को आई थिंक, इसको तो ल्यूमिनस से दिख क्लियर किया गया, इसको टिंकलिंग से, ठीक है, तो लिख देना। बीच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन दीज टू लाइन, सम लाइक लिखा हुआ है, लाइक लिखा हुआ है तो क्या होगा, सिंपली पूरा पैराग्राफ समझाया गया इसके अंदर, वो लिख देना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाउ डू द बेंगल्स एनहेंस द सेलिब्रेशन ऑफ वेडिंग, बेंगल्स कैसे एनहेंस करते हैं सेलिब्रेशन वेडिंग, वो बता दूंगा मैं। इन व्हाट वेज डज द पोएट एसोसिएट बेंगल्स विद द ब्राइड, लिखवा दूंगा मैं, छोड़ो आपने तो पढ़ लेना। समर पर्पल एंड गोल्ड से सेंड कर दूंगा मैं, एक बार रीड कर लेना आप, ठीक है।